الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الذي من علينا بنبيه دون الأمم الماضية والقرون السالفة سيد خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفدا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم ويوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعزائي الكرام خداوند متعال سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ 74ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے والذین یقولون وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا کہ پروردگارا ہمیں ہماری ازواج سے عطا کر وذریاتنا اور ہماری اولاد ہماری ذریت ہماری نسل سے عطا کر کیا عطا کر قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں متقین کے لیے امام قرار دے پروردگار عالم اس آیت میں اگرچہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے دعا کا تذکرہ کر رہا ہے لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب یہ آیت کہ یہ آیت خاص الخاص مولا کے بارے میں ہے مولا فرماتے ہیں کہ میں نے
इस दुआ में खुदा से ना खूबसूरत चेहरे वाली औलाद मांगी, ना हुस्न कामत वाली औलाद मांगी, बल्कि खुदा से ये दुआ मैंने इसलिए की कि खुदा मुझे ऐसे फर्जंदों से नवाजे, अल्मुतेईना लिल्लाह, जो अल्लाह की इताअत करने वाले हों और अल्लाह के खौफ से खुदा की इबादत करने वाले हों। तो वो आयत जो बज़ाहिर दुनियावी नेमतों के तकाज़े और दुनियावी नेमतों का मुतालबा करती हुई नज़र आती है, मौला उसकी तशरी उखरवी नेमतों के एतबार से करते हैं। चूँकि दुनिया की ज़िंदगी तो फना होने वाली है, दुनिया की ज़िंदगी तो नापायदार है, दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाने वाली है। अल्मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, कि माल और औलाद तो दुनिया की जीनत है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। बाकियातुस सालिहात, चाहे यही माल और यही औलाद के ज़रिए से इंसान अपने लिए बाकियातुस सालिहात छोड़ कर जाए, तो खैरुन इंदा रब्बिका, तेरे परवरदिगार के नज़दीक सबसे बेहतर चीज़ यही बाकियातुस सालिहात है। और सूरह आलम इरशाद फरमाता है परवरदिगार आलम कि दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है, बल तो सेवून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका, कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाने वाली है, आखिरत की ज़िंदगी है जो खैर भी है और बाकी भी है। मौला ने बताया कि इंसान इस दुआ को भी जो कहे तो इसलिए ना कहे कि उसकी दुनिया बाकी रहे, वो दुनिया में काफ़ी अरसे तक रहने की ख्वाहिश के साथ इन नेमतों का मुतालबा कहे, बल्कि वो इन नेमतों का मुतालबा इसलिए कहे ताकि ये बाकियातुस सालिहात करवाए पाए, ये बाकी रहने वाली नेकियां करवाए पाए, बाकी रहने वाला सवाब करवाए पाए। चूँकि दुनिया की ज़िंदगी के लिए जो चीज़ मांगी जाती है वो वैसे ही फना हो जाती है जैसे दुनिया फना हो जाएगी, लेकिन इंसान जो काम और जो अमल आखिरत के लिए अंजाम देता है वो हमेशा बाकी भी रहती है और वो बाबरकत भी हुआ करती है। मौला ने अपनी ज़िंदगी में बताया कि माशरती और इज्तमाही मामलात के अंदर भी हर मकाम पर हर जगह पर इंसान आखिरत को अपने जहन में रखे, आखिरत की तरफ तवज्जो करे। अगर इंसान अपने तमाम मामलात को सिर्फ दीन के लिए अंजाम देना शुरू कर दे तो वही मोमिन हकीकी हुआ करता है, वही खुदा का नेक बंदा हुआ करता है। मौला जब बीमार की आयादत के लिए जाते थे तो ये इज्तमाही सिफात में से एक सिफत है मौला की कि वो बीमारों की आयादत के लिए जाते थे, मरीज़ों की आयादत के लिए जाते थे, और जब मरीज़ के पास पहुंच जाया करते थे तो उसे तलकीन किया करते थे, अक्सरू बिज़िक्र रब्बिकुम, कि अपने रब का ज़िक्र कसरत से किया करो, कसरत से अपने खुदावंद मुताल का ज़िक्र किया करो। और मौला के बारे में उनके फर्जंद फरमाते हैं कि जब मौला जाया करते थे तो पाँच ऐसे काम हैं जिनके लिए मौला नंगे पैर जाया करते थे, हाफियन, पांच ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मौला अपने पैरों से नालैन को उठा लेते थे, मुअल्लिकन नालैही बियदिही, अपने बाएं हाथ में अपने नालैन को ले लिया करते थे और नंगे पैर जाया करते थे। क्यों? इसलिए कि फिर मौला ख़ुद फरमाते हैं कि क्यों जाया करते थे, वो पाँच मकामात कौन से हैं जिनमें मौला इस हालत में जाया करते थे, एक जब ईदुल फितर का मौका होता था, एक जब ईदुल अज़हा का मौका होता था, एक मर्तबा जब मौला रोज़े जुम्मा के दिन खुतबा देने के लिए जाया करते थे, और जब मरीज़ की आयादत के लिए जाते थे या तशईय जनाजा के लिए जाते थे। हाफियन, हाफ़ी कहते हैं नंगे पैर को, आपने सबने वो वाक़या सुना है बुशैर हाफ़ी का, बुशैर हाफ़ी को हाफ़ी इसलिए कहते हैं कि ये सहाबी था सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का, सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मर्तबा इमाम देखते हैं कि बुशैर के घर के पास से गुजरते हैं, बुशैर के घर से गानों की आवाज़ आती है और एक जारिया एक कनीज़ बाहर आती है कचरा फेंकने के लिए, तो इमाम उससे पूछते हैं उस कनीज़ से कि इस घर का मालिक आज़ाद है या ग़ुलाम,
तो वो कहती है कि आज़ाद है, मैं उसकी कनीज़ हूँ, वो तो आज़ाद है। तो इमाम कहते हैं हाँ वो आज़ाद है, इसलिए उसके घर से गानों की आवाज़ आ रही है। अगर वो ग़ुलाम होता तो उसके घर से गानों की आवाज़ ना आती। वो ताज्जुब करती है, परेशान होती है, मौला ये कह कर गुजर जाते हैं। वो जब घर में जाती है, बुशैर पूछता है कि इतनी देर क्यों हो गई, तो वो सारा माजरा बयान करती है। तो बुशैर एक लम्हे के लिए परेशान होता है और कहता है क्या वाकई नहीं मौला ने ये पूछा कि क्या इस घर का मालिक आज़ाद है या ग़ुलाम, और जब तुमने ये कहा कि हाँ वो आज़ाद है तो कहा कि वाकई जो आज़ाद हो उसी के घर से ये आवाज़ आती है, जो ग़ुलाम हो उसके घर से ये आवाज़ नहीं आती। कनीज़ ने कहा कि हाँ ऐसा ही है। तो उसने कहा कि मुझ पर अफसोस हो कि मौला ने मुझे अपने खुदा का ग़ुलाम और बंदा शुमार ना किया। एक लम्हे के लिए उसी लम्हे में दौड़ता है, पैरों में नालैन नहीं होती, जाता है इमाम के कदमों में गिर जाता है और कहता है मौला मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं अपने आप को आज़ाद ना समझूंगा बल्कि खुदा का ग़ुलाम समझूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तो बुशैर हाफ़ी को हाफ़ी इसीलिए कहते हैं कि उसके पैरों में नालैन ना थी। तो मौला बग़ैर नालैन के जाते थे मरीज़ की अयादत के लिए, और जब उनसे पूछा यरहमुकल्ला, जब उनसे पूछा जाता था कि बग़ैर नालैन के क्यों जा रहे हैं, तो इमाम जवाब देते थे हाज़ल मौज़ा, ये वो मकाम है कि जब इंसान किसी मरीज़ की अयादत के लिए जाता है तो कदम कदम पर रहमत के फरिश्ते उस पर साया करते हैं और बहिश्त के अंदर वो चल कर जा रहा होता है। वो जा रहा है मरीज़ का इयादत के लिए, लेकिन मशाफ़ी खवाफतिल जन्ना, वो जन्नत की बहारों में चल रहा होता है जब वो मरीज़ के इयादत के लिए जाता है। तो मौला बता रहे हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए तो ये माशरती और इज्तमाही तौर पर मोमिन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मोमिन भाई की ज़ियारत के लिए जाए, उसकी इयादत के लिए जाए। मौला की जो दूसरी सिफत नज़र आती है वो ये कि मौला तशईए जनाजा में शिरकत करते थे। जब कोई जनाजा वाक़ हो जाता तो मौला उसके जनाजे में शिरकत के लिए जाया करते थे। एक मर्तबा एक शख्स की मौत वाक़ हो जाती है और उसके जनाजे की तशईए के लिए मौला जाते हैं तो देखते हैं कि उसके घर वाले गिविया कह रहे, उसके घर वाले रो रहे, आहो बुका कह रहे। तो मौला फरमाते हैं मिम्मा यबकूना, ये लोग क्यों गिविया कह रहे हैं, ये लोग क्यों रो रहे हैं, अगर ये लोग जान लें, ये लोग देख लें, लौ आयनु, अगर ये लोग देख लें वो चीज़ जो ये मैयत देख रही है तो ये अपने गिरिए को भूल जाए, अपने रोने को फरामोश कर दें, क्योंकि मौत सिर्फ एक दफ़ा यहाँ नहीं आई है, वो एक के बाद एक आती जाएगी यहाँ तक के कि तमाम अफराद को हलाक करके मौत चली जाएगी, क्योंकि मौत से किसी को दूरी नहीं है, मौत सबके पीछे आ लेगी और सबके पीछे आएगी। फिर फरमाते हैं उसीकुम इबादल्लाह बितक्वल्लाह, ए खुदा के बंदों मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि खुदा के तकवा को इख्तियार करो। वो खुदा अल्लज़ी ज़रबल अम्साल, के जिसने एक के बाद एक तुम्हारे लिए मौत और मैयतों की मिसालें कायम की हैं, कभी किसी का चचा चला जाता है, कभी किसी का ताया चला जाता है, कभी किसी का भाई इस दुनिया से रुख्सत हो जाता है। अल्लज़ी ज़रबल अम्साल, वो खुदा जिसने तुम्हारे लिए मिसालें कायम की हैं, वह वक़्तल आजाल, और तुम्हारी मौत को मुकर्रर कर दिया। फिर उसके बाद मौला इस कुरान की आयत की तिलावत फरमाते हैं कि मौत तुम्हें आ लेगी, वलौ कुन तुम फी बुरूज मुशय्यदा, चाहे तुम बड़े बड़े महलों में पहुंच जाओ मौत तुम्हें आ लेगी। मौला बीमार की ज़ियारत के लिए भी जब जाते थे तो इसी तरीके की नसीहतें करते हुए नज़र आते हैं कि रुमैला जो मौला का एक सहाबी है वो बीमार हो जाता है और कहता है वाक़तु वाक़न शदीदा, मैं बहुत शदीद तकलीफ़ के अंदर और शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया। देखें बीमारी भी खुदा की तरफ से इम्तिहान इलाही हुआ करता है। कुरान मजीद में आयत मौजूद है कि हम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जूए वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात,
कि बेशक हम तुम्हें इम्तिहान में मुब्तला करेंगे भूख से और अमवाल की कमी से, अनफुस की कमी से, खौफ से और तुम्हारी औलाद की कमी से। खुदावंद मुताल जा बजा मकामात पर इंसान को इम्तिहान और आजमाइशों में मुब्तला करता है। तो इन्हीं आजमाइशों में से एक आजमाइश बीमारी हुआ करती है। मौला के बेहतरीन सहाबी हैं उमैला, वो बीमार हो जाते हैं और जब जुम्मे का दिन आता है तो वो ये सोचते हैं कि जुम्मे के गुसल से और जुम्मे की नमाज से मुझे शिफा मिल जाएगी। सामईन कराम, कौम के मेरे उस्ताद कहा करते थे कि अगर तुम कभी बीमार हो जाओ और तुम्हारी इतनी हिम्मत ना हो सके कि तुम दर्स में जाओ और तुम्हें जहन में ख्याल आए कि आज तुम दर्स की छुट्टी कर दो, तो मुझे याद है मेरे उस्ताद ये कहते थे कि तुम उस दर्स में शिरकत करो बीमारी से शिफा की नीयत से। अगर तुम इस नीयत से उस दर्स में शिरकत करोगे तो तुम्हें खुदा उस बीमारी से शिफा भी देगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये उमैला नीयत करता है कि मैं जुमे की नमाज़ में मौला के खुतबे को सुनने के लिए जाता हूँ और गुस्ल जुमा करता हूँ ताकि इससे मुझे खुदा शिफा अता करे। गुस्ल जुमा करके मस्जिद कूफा में मौला के खुतबे को सुनने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। जब उमैला खुतबे में पहुँचते हैं तो मौला खुतबे के दौरान दुनिया और आखिरत की बातों को बयान कर रहे होते हैं, इतने में उस बीमारी का गलबा इस पर आ जाता है और वो वापस से बीमारी को महसूस करना शुरू कर देता है और तवज्जो से उन अल्फाज को नहीं सुन पाता। जब खुतबा ख़त्म हो जाता है और मौला अपने कसर में, रिवायत के अंदर है कसर, मौला का कसर भी क्या कसर होगा, मौला का कसर ऐसा कसर कि जब ये मौला कसर की तरफ जाते हैं, रिवायत के अल्फाज हैं, मौला जब अपने कसर की तरफ जाते हैं तो ये भी उनके पीछे पीछे बिला झिझक और बिला किसी तकल्लुफ के मौला के साथ उनके कसर में जाता है। मालूम हुआ कि मौला का कसर भी ऐसा कसर था जिसमें किसी को आने की पाबंदी नहीं थी। आज का तो कसर ऐसा होता है कि वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन अली का कसर ऐसा कसर होता है कि अगर कोई शख्स बिला झिझक जाना चाहे तो अली उसे मना नहीं करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो मैला मौला के पास जाते हैं, मौला उससे खैरियत दरियाफ़ करते हैं और पूछते हैं कि मैंने महसूस किया कि तुम्हारी तवज्जो ना थी, तुम तवज्जो से खुतबे को सुन नहीं पा रहे थे। तो वो अपनी पूरी दास्तान को, पूरे किस्से को बयान करता है कि मौला मैं सिर्फ शिफा की नीयत से, वरना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं बहुत मरीज़ था, मैं आपका खुतबा सुनने के लिए आया था। मौला जवाब में कहते हैं अल्लाह तुम्हें शिफा दे, याद रखना मा मिन मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा मरज़ा इल्ला मरज़ना ले मरज़ही। याद रखना ना तो कोई ऐसा मोमिन है और ना ही कोई ऐसी मोमिना है कि वो जब मरीज़ हो, सिवाय ये कि वो जब मरीज़ होती है तो उनकी मरीज़ी की वजह से हम भी बीमार होते हैं। वह हज़ना ले हुज़्न ही, और वो जब गमगीन होता है तो हम भी गमगीन होते हैं। और उसके बाद मौला फरमाते हैं कि वो जब दुआ करता है तो हम उसके लिए आमीन कहते हैं, और मशरिक और मगरिब के अंदर कोई ऐसा मोमिन मर्द और मोमिन औरत नहीं है कि वो परेशान हो और हम उसकी परेशानी में उसके साथ ना हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो मौला बीमार की इयादत के लिए जाते थे, उसे तसल्ली देते थे, उसे तशवीक करते थे और उसे कहते थे कि ये बीमारी तुम्हारी गुनाहों का कफ़ारा है, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है ये बीमारी, या तो ये बीमारी खुदावंद मुताल की तरफ से तुम्हारे लिए नेमत और रहमत बन कर आया है, या ये कि ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बना है ताकि इस दुनिया में तुम धुल कर जाओ, इस दुनिया में तुम साफ़ होकर जाओ और जब इस दुनिया से रुखसत हो तो बग़ैर किसी गुनाह के इस दुनिया से रुखसत हो। मौला के एक सहाबी हैं सअसा बिन सौहान, आपकी तवज्जो है इंशाअल्लाह, हम सब को अल्लाह ज़ियारत करबला और नजफ़ व कूफा और सामरा और काज़मैन नसीब फरमाए और उससे मुशर्रफ़ फरमाए इंशाअल्लाह। जब आप जाते हैं कूफा में
तो कूफा से मस्जिद सहला की तरफ जब जाते हैं तो एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद सासा बिन सोहान। ये सासा बिन सोहान कौन है? ये मौला के खवास से शिया में से, मौला के ख़ास शियों में से। ये वो सहाबी हैं कि जंग जमल के अंदर सोहान के चार फर्जन मौला की हमराही में थे और चारों के चारों फर्जन मौला ने चार मकामात पर कमांडर के तौर पर मुकर्रर किए थे, जिनमें से एक अब्दुल्ला थे, एक जैद थे, एक सैहान थे और एक सोहान थे। सैहान जब अलम लेकर जंग लड़ने के लिए जाते हैं जंग जमल के अंदर, तो मौला की तरफ से उन्हें पैगाम मिलता है कि ए सैहान, जब तुम जंग जमल में जंग करो तो खुदा की जानिब से अपनी मदद को महसूस करना। सैहान बेहतरीन जंग लड़ते हैं और जब उनके हाथ से अलम गिरता है तो सोहान आगे बढ़कर उनके अलम को उठा लेते हैं। सासा बिन सोहान उनके अलम को उठा लेते हैं। सोहान के फर्जन सासा सैहान से अलम को लेते हैं और जंग जमल में बेहतरीन जंग लड़ते हैं। जब वो बेहतरीन जंग लड़ते हैं तो मौला उनके लिए जुमला फरमाते हैं कि सासा बिन सोहान ने आज अली के लश्कर की लाज रख ली। तो ये वो सहाबी हैं। और छठे इमाम उनके बारे में फरमाते हैं कि जब तक सासा बिन सोहान मौला के लश्कर में थे उनके जैसा कोई सहाबी मौजूद ना था। इतने शुजा, इतने बहादुर और उनकी खिताबत और उनकी सुखनवरी इतनी बेहतरीन थी कि मौला ने चारों जंगों में जिसमें कासितीन, नाकिसीन और मावेकीन, जिसके बारे में आप जानते हैं, मैं तर्जुमा नहीं करना चाहता कि किन किन से मौला ने जंग लड़ी है, तो इन तीन जंगों में और इसके अलावा एक और जंग जो मौला के ज़माने में मुख्तसर तौर पर वाक़ हुई, इन चारों जंगों में मौला ने सासा बिन सोहान को सुखनवानी के लिए, तकवीर के लिए भेजा है, खिताबत के लिए भेजा है। तो ये सासा बिन सोहान एक मरतबा बीमार होते हैं और बीमार होकर अपने घर में बंद हैं, मौला अपने असहाब के साथ उनकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, उनकी ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। जब सासा बिन सोहान देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं तो एक लम्हे के लिए खुश हो जाते हैं। जब वो खुश होते हैं तो मौला कहते हैं ला तफ्तखिरन्ना, कभी भी फ़ख्र ना करना कि शायद तुम अकेले ही ऐसे हो जिनके लिए ये खुदा का वली तुम्हारी अयादत के लिए आए। नहीं, कोई भी मोमिन शख्स जब बीमार होता है तो ये औलियाउल्लाह खुदा की जानिब से, खुदा की मशीयत से और इजाज़त से उसकी अयादत के लिए आया करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयान शिया में इस रिवायत को लिखा गया, इसके मुसन्निफ़ मोहसिनुल अमीन कहते हैं जब मैंने ये रिवायत सुनी तो मुझे शुभा हुआ कि शायद इसमें कहीं गुलू तो नहीं है कि हर मोमिन के पास इमाम पहुंचते हैं और उसकी अयादत करते हैं, तो मैं परेशान हुआ। लेकिन जब मैंने सही सनद रिवायतों को खंगाला तो मालूम हुआ कि खुदा की मशीयत से इमाम तो इमाम, जब इंसान बीमार होता है तो उसके मरने वाले, उसके गुज़श्तगान, जो उसके भाई या बहन या जो अफराद उसकी तरफ से उसके भाई या कोई रिश्तेदार बनते हैं, वो अगर नेक थे और वो अगर परहेजगार थे तो वो भी उसकी दीदार और उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये मौला की सिफत है, मौला की ये सीवत है कि वो बीमार के इयादत के लिए जाया करते थे, जनाजे में तशीय जनाजा के लिए जाया करते थे। और सिर्फ यही नहीं, माशरती और इज्तमाही सीवत का मुशाहिदा करें तो हमें नज़र आता है कि मौला गाहे ब गाहे अहले कुबूर की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। तारीख के ये अल्फाज मिलते हैं, लम्मा तुफुवियत तुवुफियत फ़ातिमतु बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। के जब जनाब सय्यदा इस दुनिया से चली गईं तो मौला रोज़ाना कब्रिस्तान जाया करते थे और जनाब सय्यदा की ज़ियारत किया करते थे। और नहजुल बलागा में मौला क्या वो खुतबा मिलता है
कि मौला जब सिफीन से वापस आ रहे थे तो एक कब्रिस्तान के पास से गुज़रते हैं, कब्रिस्तान वालों को सलाम करते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये जुमला नहजुल बलागा में नहीं है, ये बिहारुल अनवार में, उससे मिलाते हुए, ये दोनों रिवायतों को मिलाते हुए मौला कब्रिस्तान में सलाम करने के बाद कब्रों को ये जुमला कहते हैं या अहलद दियारिल मुहिशा वल महालिल मुग़फिरा या अहलत तौबा या अहलल गुरबा या अहलल वहदा या अहलल वहशा अंतुम लना फवतुन साबिक व नहनु लकुम तबउन लाहिक अम्मा दूरो फकत सुकिनत व अम्मल अमवालो फकत कुसिमत व अम्मल अजवाजो फकत नुकहत। मौला फरमाते हैं ए वहशतनाक घरों में रहने वालों, ए तनहा रहने वालों, ए वो लोगों के जो गुरबत की जगहों पर रहते हो, ए वो लोगों के जो ऐसी कब्रों में हो जहाँ तुम अकेले और तनहा हो, अमल दूर हो फकत सुकिनत, वो कहाँ है तुम्हारे घर जहाँ तुम रहते थे, वहाँ पर कोई और लोग रहने बैठ गए हैं और कोई और लोग वहाँ रह रहे हैं। वह अमल अमवाल हो फकत कुसिमत, जिस माल पर तुम बहुत गुरूर करते थे कि ये माल तुम्हारा माल है, तुम्हारी मिल्कियत है, फकत कुसिमत, वो तो तकसीम हो गया। वह अमल अजवाज हो फकत नुकहत, जो तुम्हारी अजवाज थी या अगर तुम्हारे शौहर थे तो उन्होंने दूसरी शादियां कर ली हैं तुम्हारे वफात के बाद, तुम्हारे मरने के बाद। फिर उसके बाद मौला कहते हैं कि क्या तुम अपने हाँ की खबर बताओ कि तुम्हारे यहाँ की खबर क्या है। हमारे यहाँ की तो खबर ये है कि जो तुम्हारे घर थे वहाँ कोई और लोग बस गए और तुम्हारी अजवाज जो थी उनसे किसी और ने शादियाँ कर ली हैं और तुम्हारा माल तकसीम हो गया। हाजा खबर उम्मा इंदना, ये वो खबर है जो हमारे पास है। फमा खबर उम्मा इंदकुम, वो क्या खबर है जो तुम्हारे पास है। फिर उसके बाद रिवायत के जुमले सुम्मा इल्तफता इला अस्हाबी, उसके बाद अपने अस्हाब की तरफ मुतवज्जे होते हैं और जुमला कहते हैं अमा लो उज़िन लहुम ला अखबरूकुम अन्ना खैरुज़ ज़ादे अत्तक्वा, ए मेरे अस्हाब, ए मेरे दोस्तों, अगर इन्हें बोलने की इजाज़त मिल जाती तो ये तुम्हें बताते कि बेहतरीन ज़ादे वाह तक्वा इलाही है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो ये मौला गाहे बगाहे बाज़ बाज़ मकामात पर जब जाते हैं कब्रिस्तान में तो लोगों को वसीयत करते हैं मौत की और वसीयत करते हैं तकवा की, कि मौत को तुम ये समझना कि ये मौत सिर्फ इंतकाल का नाम है, इस दुनिया से मुंतकिल होने के आले का नाम मौत है, वरना दुनिया की ज़िंदगी के ख़त्म होते ही हमेशा हमेशा की ज़िंदगी बाकी है और मौजूद है। मौला की एक और ख़ूबी जो इज्तिमाई सिफत के तौर पर थी वो ये कि जब भी कहीं बैठते थे खुदा उसके रसूल का ज़िक्र किया करते थे, नसीहत व वसीयत से मुंह ना मोड़ते थे, जहाँ देखते थे कि नसीहत का मौका है नसीहत करते थे। हमें दर्स मिलता है कि आज का शिया भी अगर चंद अफराद के साथ बैठे, चंद दोस्तों के साथ बैठे तो इस मौके को ज़ाया ना करे, खुदा और उसके रसूल की बातें करे, अहादीस सुनाए। ठीक है इंसान को मसरूर भी होना चाहिए, खुश भी होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको वो सिफत बताई थी मौला की कि मौला इतने ज़्यादा खुश और मसरूर हुआ करते थे कि दुश्मनों ने लकब लगा दिया था दआबा, कि इनके चेहरे पर तो हमेशा मुस्कुराहट रहती है। इसके साथ साथ मौला दर्ज देते हैं कि वो जब चंद अफराद के साथ बैठते थे तो कोई ना कोई नसीहत की बात, कोई ना कोई मुआवज़ा करते थे, बात बात पर ये जुमला कहा करते थे कि दोस्तों याद रखना ये दुनिया दावे फना है और आखिरत दावे बका है। दुनिया की मोहब्बत, हुब्बे दुनिया और हुब्बे रियासत में कभी गिरफ्तार ना होना। अजीज़ों अजीज़ान मन, जब करबला में भी एक शख्स आता है जिसका नाम उमर इब्ने साद है तो वो भी इसीलिए हुसैन को कत्ल करने पर, शहीद करने पर राजी हो जाता है कि उसे दुनिया नज़र आ रही होती है, हुब्बे रियासत नज़र आ रही होती है, रियासत की मोहब्बत उसके दिल में होती है, रई की हुकूमत उसके दिल में होती है। मौला कितनी दफ़ा उसे ये कहते हैं कि अय उमर इब्ने साद
याद रखना कि ना तू दुनिया में कुछ पा सकेगा ना ही तू आखिरत में कुछ पा सकेगा, लेकिन फिर भी उमर इब्ने साद कहता है कि नहीं, मुझे रय की हुकूमत ने गाफिल कर दिया, मैं रय की हुकूमत के अलावा कुछ नहीं देख रहा। अज़ीज़ान मन, जब इंसान दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर इतना ज़्यादा डाल दे तो फिर ये अंजाम होता है कि वो नबी के नवासे को भी शहीद होने से रुकता नहीं है, नबी के नवासे पर भी पानी बंद करने से रुकता नहीं है। एक शख्स है जिसका नाम है यजीद बिन हसीन हमदानी, वो मौला हुसैन से कहता है कि मौला आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उमर इब्ने साद से जाकर मुकालमा करता हूँ, उससे बात करता हूँ कि उसने ये पानी क्यों बंद कर दिया है। तो वो जाता है मौला की इजाज़त से और जाकर उमर इब्ने साद से मुलाकात करता है और कहता है कि क्या तुमने अल्लाह के रसूल की और अल्लाह के रसूल के भाई अली की बात को नहीं सुना कि दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की चाहत इंसान को ले डूबती है? तो उसने कहा कि मैं रय की हुकूमत के अलावा और कुछ नहीं देख रहा, इब्ने ज़ियाद ने मुझे मजबूर कर दिया है कि या तो मैं रय की हुकूमत को हासिल करूं या मैं परेशान रहूं और हमेशा के लिए गिरफ्तार रहूं, इसलिए मैं रय की हुकूमत को तरजीह देता हूं। तो उसने कहा यजीद बिन हसीन हमदानी ने कि ए उमर इब्ने साद, क्या तू भूल चुका है कि ये नबी के नवासे हैं, वो नबी जिसने अरबों को जाहिलियत से निकाल कर इल्म की रोशनी से नवाजा, वो नबी के जिसने खुदा की नबूवत से इंसानियत को शराफत बख्शी, उस नबी के नवासे पर तू पानी बंद करता है? तो उमर इब्ने साद ने कहा कि हाँ खुदा की कसम, मैं इब्ने ज़ियाद के हुक्म की पैरवी करूँगा और खैमे हुसैनी पर एक कतरा पानी का पहुँचने ना दूंगा। आज़ादारों, बस ये यजीद बिन हसीन हमदानी मौला हुसैन के पास आता है और आकर ये कहते हैं कि मौला मैंने जितनी कोशिश की, ये उमर इब्ने साद सिर्फ और सिर्फ रय की हुकूमत को तरजीह दे रहा है। तो मौला उस वक्त ये जवाब देते हैं कि वाय हो उस पर, अफसोस हो उस शख्स पर कि जो अपने पेट को दुनिया की मोहब्बत की आग से भरता है, ना वो रय की हुकूमत को पा सकेगा और ना ही आखिरत की किसी नेमत को पा सकेगा। बस अजीज़ान, वो हुसैन जब शब आशूर आती है तो एक लम्हे के लिए मोहलत का तकाजा करते हैं कि जाइए जाकर इस उमर इब्ने साद की फ़ौज से ये दरख्वास्त कीजिए कि वो हमें एक रात की मोहलत दें। अज़ीज़ाने मन, ये जो मोहलत मांगी थी हुसैन ने, ये अपनी जान बचाने के लिए नहीं थी। नज़र आता है कि शब आशूर जब रात का वक्त आता है तो जहाँ यजीदियों की फ़ौज में तलवारों को तेज़ किया जा रहा है, नेज़ों को चमकाया जा रहा है, बर्छियों को तेज़ किया जा रहा है, वहाँ शब आशूर इन करबलाई खैमों के अंदर क़ुरान की तिलावत की आवाज़ नज़र आती है और हंसने और मुस्कराने की सूरत हाल नज़र आती है। कोई किसी दूसरे से पूछता है कि आज तुम क्यों हंस रहे हो, कल तो सब शहीद हो जाएंगे, तो कहा कि हम आज इसलिए हंस रहे हैं, इसलिए खुश हो रहे हैं कि हम उस फौज में शामिल हैं कि जो फौज खुदा के नुमाइंदे और खुदा के वली और हुज्जत की फ़ौज है, और आज हम इसलिए हंस रहे हैं कि कल जब हम शहीद होंगे तो हौज़े कौसर से अल्लाह के रसूल से सहवाब करेंगे। बस शब आशूर आती है और शब आशूर हुसैन तमाम अस्हाब को जमा करते हैं और कहते हैं कि एक के बाद एक शहीद होगा, एक के बाद एक मुझसे रुखसत होगा और एक के बाद एक मुझसे जुदा होगा। बस इन्हीं अस्हाब में से एक वो हस्ती भी है कि जो हुसैन का भाई है। हदीस में ये अल्फाज मिलते हैं कि चंद ऐसे मकामात पर, चंद ऐसे मकामात हैं जहाँ पर इंसान अपने रोने को रोक नहीं सकता। एक, जब बेटी अपने बाप की मौत को देखती है तो गिरिया करती है, रोती है। जब बाप अपने बेटे की मौत को देखता है
तो वो रोता है और जिविया करता है। और एक वो मौका है जब भाई अपने भाई को जुदा होते देखता है तो गिविया करता है और रोता है। ये वो मकामात हैं कि जब इंसान एक दूसरे से जुदा होते हैं तो गिविया करते हैं। चूँकि लुकमान जब एक मर्तबा बहुत बड़े सफ़र पर जाते हैं और वापस आते हैं तो ग़ुलाम से पूछते हैं कि मेरे घर वालों का क्या हुआ, तो ग़ुलाम ये जुमला कहता है कि सैयदी, ए मेरे सरदार, आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है। वो कहते हैं कि सबको खुदा की तरफ जाना है। वो ग़ुलाम कहता है कि आपकी जौजा का इंतकाल हो चुका है। वो कहते हैं कि सबको खुदा की तरफ जाना है। वो कहता है कि आपके बेटे का भी इंतकाल हो चुका है। लुकमान कहते हैं कि सबको खुदा की तरफ जाना है। लेकिन जब वो ग़ुलाम ये कहता है कि ए मेरे सैयदो सरदार, आपके भाई भी इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उस वक्त लुकमान जैसे हकीम ये जुमला कहते हैं, अलान इन कसवा ज़हवी, मेरी कमर टूट गई, खुदा की कसम मेरी हीलत कम हो गई और मेरी तवज्जो कम हो गई, अब मेरा मददगार ना रहा। तो ये लुकमान है जो भाई की मौत पर इस तरीके से आहो बुका करते हुए नज़र आते हैं। फिर लुकमान कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये गम कम है चूँकि वो मेरा भाई इंशाअल्लाह जन्नत में महजूज और मसरूर होगा। आज़ादारों, हुसैन का भी जो जुमला आपको अपने भाई के लिए नज़र आएगा, वहाँ ये नुक्ता मौजूद है कि मौला हुसैन ये जुमला तो कहते हुए नज़र आते हैं, अलान इन कसवा ज़हवी, कि खुदा की कसम आज मेरी मुझ हुसैन की कमर टूट गई, लेकिन ये जुमला कहते हुए नज़र नहीं आते कि अलान इन कसवा हिम्मती, कि हुसैन की हिम्मत टूट गई। ये हुसैन अपने भाई को बचपन से देख रहे हैं। वो अब्बास के जब उम्मुल बनीन एक मर्तबा अपने शौहर अली के साथ अब्बास को देखती हैं, तो ये अब्बास वो अब्बास हैं कि जिन्हें मौला ने जंग के तरीके सिखाए थे, जंग के गुर सिखाए थे। तो वो मौला अपने फर्जंद को जंग के तरीके सिखाए हुए, जंग के गुर सिखाए हुए। एक मर्तबा अब्बास इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद और शुजात के तरीक़ों को देखने के बाद अपनी आस्तीनों को चढ़ाते हैं। जब मौला देखते हैं कि अब्बास ने अपनी आस्तीनों को चढ़ा दिया है, तो एक लम्हे के लिए आँखों से गिविया जारी होता है। उम्मुल बनीन देखती है कि मौला की आँखों से आंसू जारी हैं। अब्बास को एक मर्तबा करीब बुलाते हैं, मौला अब्बास की आस्तीनों को और बुलंद करते हैं, बाजुओं तक पहुंचाते हैं और अब्बास के बाजुओं को चूमना शुरू करते हैं। कभी अब्बास के दस्ते मुबारक को हथेलियों पर चूमते हैं, कभी उस सुखान को चूमते हैं, कभी बाएं हाथ के बाजू को चूमते हैं। उम्मुल बनीन परेशान होती है, कहती है, ए मेरे शौहर, ए सैयद, आप अब्बास के दोनों बाजुओं को देखकर क्यों गिरिया कह रहे हैं। मौला जवाब देते हैं, ए उम्मुल बनीन, याद रखना, ये अब्बास होगा जो मेरे बेटे हुसैन के लिए पानी लेने जाएगा, लेकिन शकी अब्बास के बाजुओं को कलम कर देगा। मैं कहूँगा, उम्मुल बनीन, आप इस बात को अपने जहन में ना रखिएगा। एक मर्तबा कर्बला में अब्बास एक एक करके तमाम असहाब को, अकील की औलाद को जाते देखते हैं, मौला की औलाद को जाते देखते हैं, एक के बाद एक जाता है, शहीद होता है। हुसैन जाते हैं और जाकर उसके जनाजे को लेकर आते हैं। अब्बास देख
देखते हैं, कहते हैं कि कब मेरी नौबत आएगी, कब मेरा वक्त आएगा। बस वो वक्त भी आता है। अब्बास को कुछ आवाज़ें परेशान करती हैं। वो आवाज़ें क्या होती है? खैमों से आवाज़ आती है, अलाताश अलाताश अलमा अलमा, हाय प्यास हाय पानी। अब्बास से बर्दाश्त नहीं होता। एक दफ़ा आते हैं हुसैन के पास, सर झुका कर खड़े हो जाते हैं और दस्ते अदब को बुलंद करके कहते हैं, सैयदो सरदार, ऐ मेरे आका, मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। मौला हुसैन सर से पैर तक अब्बास को देखते और कहते हैं, अंता साहिबो लिवाई व अलामतो अस्करी, ऐ अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम्हारे लश्कर की अलामत अब्बास समझे जाते हैं। मैं कहूँगा शायद ज़बान हाल से मौला अब्बास ने दाएं तरफ देखा हो, बाएं तरफ देखा हो और ये जुमला कहा हो, मौला अब वो लश्कर ही कहाँ जिस लश्कर का अब्बास अलमदार है। मौला इजाज़त दीजिए, मौला इजाज़त नहीं देते। अब्बास सर झुकाकर वफा का पैकर एक लम्हे के लिए पलट जाता है, खैमे के दरवाजे पर पहुंचता है कि जो भी जाता था बहन ज़ैनब से इजाज़त लेकर जाता था, शायद मैं भी ज़ैनब से सिफारिश कर दूँ तो मौला हुसैन मुझे भी इजाज़त दे दे। अभी खैमे के दरवाजे पर थे कि एक बच्ची आती है, हाथ में कूजा है और जुमला कहती है, चचा जान अलमा, आप पानी की कोई सबील करे। मौला अब्बास मौला हुसैन को देखते हैं, मौला हुसैन कहते हैं, ऐ अब्बास, तुम्हें जंग की इजाज़त तो नहीं मगर कलीलम मिन अलमा, पानी का कुछ सामान कर सकते हो। मौला ने अब्बास को जंग की इजाज़त ना दी। अज़ादारो, मालूम है उम्मुल बनीन जब मदीने में मौजूद थी और काफ़िला आता है और निदा दी जाती है कि काफ़िला हुसैनी कर्बला में लुट गया, कोई मर्द ना बचा सिवाय सैयद सज्जाद और पांचवें इमाम के, बस चंद बच्चे बचे, चंद बीबियां बची, चंद सैदानियां बची। उम्मुल बनीन परेशान हो गई, कहा कि ये कैसे हो सकता है कि अब्बास जैसा शख्स कर्बला के अंदर, कर्बला में खैमा हुसैनी में हो और ये सब शहीद हो जाए। कहा जाता है अब्बास कर्बला में शहीद हो गए। एक लम्हे के लिए उम्मुल बनीन परेशान होती है, कहती है, हाँ वाकई जब अब्बास शहीद हो गए तो पे हुसैन भी शहीद हो सकते हैं और सकीना पर तमाचे पड़ सकते हैं, ज़ैनब की चादर छिन सकती है। अज़ादारो, जब अब्बास कर्बला के मैदान में निकलते हैं हुसैन की इजाज़त से तो लम्हा ये होता है, एक मर्तबा अपने शानों पर मशकीज़े को लटकाते हैं, एक हाथ में तलवार है दूसरे हाथ में अलम को लेते हैं और चलते हैं, और जब पहुंचते हैं कर्बला में यजीदियों के लश्कर के पास तो तारीख़ के अल्फाज हैं, मौला अब्बास ये जुमला कहते हैं कि अना अब्बास इन्नी उहामी अंदीनी, मैं अब्बास इब्ने अली हूँ, मैं वो हूँ जो अपने दीन का दिफा करूँगा, अपने दीन की हिमायत करूँगा। मौला अब्बास दरिया फरात से 80 अफराद को दूर करते हैं, जब 80 अफराद दूर हो जाते हैं तो
मौला दरियाए फुरात में घोड़े को दाखिल करते हैं, हाथों में एक चुल्लू पानी लेते हैं और देख कर कहते हैं, ऐ पानी याद रखना, इस अब्बास ने पानी तक पहुंचने के बाद पानी ना पिया था इसलिए कि भाई हुसैन प्यासा है। मशकीजे को पुर करते हैं, कर्बला की जमीन पर घोड़े को दौड़ाते हुए अब्बास पहुंचते हैं। पिसरे साध हुक्म देता है, देखो अब्बास पानी लेकर खेमे तक नहा पहुंचने पाए, यहाँ ये हालत है, वहाँ सकीना की हालत है। सकीना सारे बच्चों को जमा करती है, बच्चों आओ आ जाओ, अब तुम्हें प्यास के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पानी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चचा अब्बास गए हैं, बस अब वो पानी लाते ही होंगे। देखो मौला ने अब्बास को पानी लेने भेजा है, सकीना की आस बस पानी की प्यास बुझाने की हद तक। अब्बास जाते हैं, घोड़े पर सवार है, एक मर्तबा ये दुआ करते हैं, खुदाया मुझे इतनी हिम्मत दे मैं इस पानी को खैमे हुसैनी तक पहुंचा सकूं। यजीदी लश्कर से तीरों की बारिश होती है, एक करके एक तीर अब्बास के बदन पर लगता है, अब्बास बर्दाश्त करते हैं। एक शकी आता है अब्बास के दाएं बाजू पर, तलवार का वार करता है, अब्बास मशकीजे को बाएं बाजू में पकड़ लेते हैं। दूसरा शकी आता है अब्बास के बाएं बाजू को कलम करता है, अब्बास अपने दांतों में मशकीजे को पकड़ लेते हैं और मशकीजे को खैमाए हुसैनी तक पहुंचाना चाहते हैं। अलम भी अपने दोनों पांव में बांध कर, दोनों पांव को दबा कर अलम को संभालते हैं। अब्बास जाते हैं, एक तीर मशकीजे पर लगता है, अब्बास की आस टूटती है, सारे तीर अब्बास के बदन पर लगते हैं। अब्बास घोड़े से जीन पर आते हैं। अजादारों, जब कोई घोड़े से जीन पर से जब घोड़े से जमीन पर गिरता है तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ को जमीन पर रखता है। मैं कहूँगा वो क्या वक्त होगा, अब्बास घोड़े से जमीन पर आ रहे, कैसे गिरे होंगे, सदा देते हैं, याखी अदरक अखाक, ए मेरे भाई अपने भाई तक पहुँचिए, हुसैन पहुँचना चाहते हैं। देखते हैं रास्ते में अब्बास का दायां बाजू, देखते हैं रास्ते में अब्बास का बायां बाजू, मशकीजा नजर आता है, जुमला कहते हैं, अलान इनका सरा जाहरी व कल्लत हीलती, अब्बास आज हुसैन की कमर टूट गई, हीला कम हो गया, तरीके खत्म हो गए। अब्बास पहुंचते हैं, जुमला नजर आता है मक्तल में, अलैका मिन्नी अस्सलाम, ए मेरे भाई हुसैन, याखी आपको मेरा सलाम हो। अब्बास की जान कफ़से उनज़वी से परवाज कर जाती है। मौला हुसैन अब्बास के बदन को पैरों के खत खींचने के साथ खैमों की तरफ लाते हैं, अलम को भी साथ में लाते हैं, सकीना बच्चों को लाती है, देखती है अलम वापस आ रहा है, एक एक करके बच्चों को कहती है, बच्चों जाओ कूजा लेकर आओ, अब्बास आए हैं, अलमदार आए हैं, सक्काए सकीना आए हैं, ऐ सैयदो सरदार, सक्काए हरम, सैयदो सरदार नहीं आमद, अलमदार नहीं आमद, अलमदार नहीं आमद। أَلَعَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا تَمَّ حُسْنًا